सो हे गाइस, विनर दिस साइड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्या, एक मॉक टेस्ट। तो पहले हमने एक इंग्लिश का सेक्शन मॉक लगा रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं दोबारा एक इंग्लिश का मॉक लगाने के लिए। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। फिर धीरे धीरे सोच रहा हूँ लाइव मॉक भी करने लग जाऊँ, है ना। वैसे तो क्या हो गया, वैसे लाइव ही है ये सब, थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। बट मैं अब 2024 आ गया है, तो मैं पक्का कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बढ़िया लाऊंगा और हम लोग करेंगे चीजों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। अब देखो टाइम है यहाँ पे, 12 मिनट का टाइम दिया है, तो हम सोचेंगे इसे 5-6 मिनट में, मतलब आधे मिनट में करने की, ठीक है। ग्रिम, ग्रिम मतलब क्या होता है, ग्रिम मतलब होता है सीरियस है, सैड है, ग्लूमी है, ठीक है, ग्लूमी है, ग्लूमी ग्लूमी सही है। ब्लफ मतलब होता है, अब मैं किसी की आंखों में धूल झोंक दूं, तो मतलब मिसलीड कर दूं उसको, तो ब्लफ हो गया। चीयरफुल इज आई एम वेरी जॉयफुल, मतलब मैं बड़ा ही खुश हूं, जॉयफुल हूं, ठीक है, चीयरफुल हो गया। पीविश इज पीविश, कोई पी कर रहा हो तो आप उसे इरिटेट कर दो, ठीक है, मतलब कि पीविश मतलब है इरिटेट करना, ठीक है। तो ग्लूमी आपका आंसर है, आगे बढ़ते हैं। आवर टीचर वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड अस इफ वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइंड टास्क। अगर हमने असाइन टास्क कंप्लीट करा होता तो हमारी टीचर ने हमारी मदद कर दी होती। अच्छा देखो 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 देखो, अगर हमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो चुका होता, ऐसे बात है ना। तो देखो हमेशा ध्यान रखो, जब वुड हैव V3 आ रहा हो तो इस इफ वाले क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट के साथ हैड आता है, हैड, तो क्यू आंसर हो गया हमारा, क्यू। हैव प्लस V3 नहीं, हैड प्लस V3। एज इट वॉज अ हॉलीडे शी वॉज फ्री, सो शी डिसाइडेड टू रेस्ट इन द लैप ऑफ नेचर एंड हेड इट डाउन हिल एट द रिवर। एज इट इज एज इट वॉज अ हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे शी वॉज फ्री, सो शी, वो फ्री थी तो उसने डिसाइड किया चलो टू रेस्ट इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर के साथ रहेंगे और आगे बढ़ते हैं, क्या, नेचर का मजा लेंगे और आगे बढ़ते हैं, हेड करते हैं एट द रिवर, हेड करते हैं रिवर की तरफ, तो मतलब एट द रिवर नहीं, टूवर्ड्स द रिवर, टूवर्ड्स द रिवर। मी एंड माई ब्रदर एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। मी एंड माई ब्रदर, मी स्टार्टिंग में तो आई नहीं सकता कि ऑब्जेक्टिव के साथ, तो आई लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई एंड, अरे अरे रुको 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 रुको, अरे भैया बहुत अच्छा एरर है यार, बहुत अच्छा एरर, इसका तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, एक मिनट रुको, बहुत अच्छा एरर दिया है, ये बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, अरे क्या हो गया, कैसे लेते हैं, चलो ले लेंगे बाद में। देखो मी एंड माई ब्रदर एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल मतलब क्या है, एक तो आई होगा, आई एंड माई ब्रदर, दूसरा माई ब्रदर पहले आएगा, क्योंकि आपने वो प्रोनाउन में पढ़ा है ना कि जब आप किसी की बात करते हो तो 2-3-1 के पैटर्न में रहता है, तो 3 है, थर्ड पर्सन पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, तो माई ब्रदर एंड आई एंजॉय, माई ब्रदर एंड, माई ब्रदर एंड आई एंजॉय, ये होगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना, दो हो गया ना, ठीक है, प्लूरल हो गया बेसिकली सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द म्यूजियम एग्जिबिट शोकेस्ड एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ एंशियंट आर्टिक्राफ्ट, ठीक है। म्यूजियम क्या दिखाता है भैया, ये दिखाता है कलेक्शन और ये, ठीक है। विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू मार्वल एट द इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब अंदर के कार्विंग्स और डेलिकेट पोट्री, ईच पीस टेलिंग अ स्टोरी, हर एक पीस बताता है, स्टोरी बताता है, स्टोरी ऑफ द पीपल हु हैड क्रिएटेड, जिन्होंने उनको बनाया उनके बारे में। द म्यूजियम्स क्रिएटर वॉज प्राउड ऑफ द एग्जिबिट इट एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स इज हिज टाइम हैज मेड टू क्यूरेट इट, ठीक है। म्यूजियम वगैरह डायरेक्टर वगैरह ये सब बताते हैं कि भैया कितनी मेहनत लगी इनकी टीम की, ये वो। हाउएवर वन डे विजिटर क्लेम टू रिकॉग्नाइज अ पीस दैट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम हिज फैमिलीज होम मेनी इयर्स अगो। ओ, अब हालांकि भैया एक विजिटर ने क्या बताया कि एक जो पीस यहाँ पर रखा है वो उसकी फैमिली में से चोरी हुआ था बहुत पहले। द डायरेक्टर वॉज शॉक एंड वाउ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, ठीक है, डायरेक्टर शॉक हो गया और उसने बोला कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को बढ़िया तरीके से। तो ए बी सी डी, अरे तो ए बी सी डी एक लाइन में बन गया है, तो कहानी बन गई, क्या पूछना है इसमें। द एथलीट्स हु वॉन द मेडल्स इन द ओलंपिक्स वर अवॉर्डेड फ्रॉम द, वर अवॉर्डेड पैसे मार रहे हो ना कि उनको अवार्ड दिया गया, इन द ओलंपिक्स वर अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट, वर अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट, फ्रॉम द प्रेसिडेंट कैसे हो गया, कोई लेटर वो लिख रहा हूँ क्या हैप्पी बर्थडे के लिए, फ्रॉम विनय, ठीक है। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है कि चीपेस्ट वे में और फास्टेस्ट वे में कोई चीज कर देना, टू डू समथिंग क्विकली और चीपली, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी और सेफ्टी, ठीक है। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, डिक्शनरी तो हम सर्च करते हैं, डिक्शनरी को और क्या बोलते हैं, थेसोरस बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, लिख लेना डिक्शनरी सिनोनिम लिख लेना, आ जाएगा। और डायरी को आपको, डायरी का तो पता ही है, डायरी की स्पेलिंग देख लेना, वो डेरी होता है, मदर डेरी वाली अलग है, डायरी वाली अलग है, डायरेक्टरी आंसर है भाई, जर्नल तो हम लोग लिखते रहते हैं, ठीक है।
हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब जहां पे आप रहते हो, मैं हैबिटेट हूं वहां का, मतलब बेंड टू नहीं, क्लोथ्ड कपड़े से ढका हुआ नहीं, मोशन नहीं, निशे, निशे का मतलब होता है स्थान। ये देखो एक होता है आप यूट्यूबर बन रहे हो तो वो बोलता है आपका निशे क्या है, आपका रोल क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करोगे, एक तो वो निशे, एक निशे का मतलब होता है स्थान। सिनोनिम देख लेना ऊपर, सिनोनिम पूछा नहीं पूछा गड़बड़ हो जाएगी। एज अ सोशल रिफॉर्मर, अंडरलाइन इडियम का मतलब, ही सेट हिज फेस अगेंस्ट नॉच पार्टीज। नॉच का मतलब मुझे नहीं पता, बट सेट हिज फेस अगेंस्ट का मतलब होता है कि रिबेल करना, स्टर्नली अपोज करना, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टली अपोज करना। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड स्लिम, वेस्टेड की स्पेलिंग गलत है भाई, यही है वेस्टेड, क्या हो गया इनको, बड़ा शांत है। तो ही सेड आर यू गोइंग टू द पार्क टुमारो, करेक्ट एंड डायरेक्ट है, आर यू गोइंग टू द पार्क पूछ रहा है ना, तो यस और नो वालों के इफ ये वेदर से बनते हैं। ही आस्क्ड इफ आई वॉज, ये यू कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, आई में कन्वर्ट हो गया, इफ आई वॉज गोइंग टू द पार्क, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है या फॉलोइंग डे भी सही होता है। रफिन इज सीकिंग दैट हारमनी ऑफ, हारमनी का क्या बताना है, अपोजिट बताना है। कन्फॉर्मिटी मतलब होता है कि वो ये ओके है बात, कन्फॉर्मिटी है एक तरीके से, कन्फर्म और कॉन्फर्म में अंतर होता है जानना। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड आंसर है। डिटर्मिनेशन, जैसे मैं पढ़ाने को लेकर डिटरमाइंड रहता हूँ, ठीक है, डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद, डिसएग्रीमेंट। मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ गो फॉर अ डैश वॉक जस्ट बिफोर डिनर, वाइब्रेंट मतलब बहुत ही अच्छा, नहीं, डिनर के बाद तो वो बस जाएंगे टहल के आ जाएंगे। विवेशियस एकदम एनर्जेटिक, स्लो, ब्रिस्क, यार ब्रिस्क मतलब होता है कोई चीज क्विकली हुई हो, ब्रिस्क वॉक, हाँ मैंने ये पढ़ा है कहीं पर, ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है बस आप गए हो ऐसी टहल के, 2 मिनट में आ रहा हूँ टहल के, बस पचा कर आ रहा हूँ खाना, एक एनर्जेटिक और एक फास्ट वॉक, ठीक है। थिंकिंग एंड बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंस अराउंड, अच्छा जो आपके आसपास चल रहा है तो आप एकदम होश में हो, ये कह रहा है वो। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है क्लियर है, कंसाइज मतलब ब्रीफ में, ट्रंकेट में, ब्लू पेंसिल एक इसका इडियम होता है मतलब शॉर्ट में, मतलब किसी चीज को एब्रीविएट कर देना, किसी चीज को ट्रंकेट कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, कंसाइज कर देना, हाँ ब्रीफ में कर देना, इसके लिए इडियम और होता है इना नट शेल, वो भी ध्यान रखना कि भैया शॉर्ट कर देना किसी चीज को, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मतलब है इनके। कंसाइज मतलब जब आपके वो बताते हैं ना हमारा सिक्स सेंस की कुछ गड़बड़ होने वाला है, कॉन्शियंस वाला कॉन्साइज। कॉन्शियस मतलब होता होश में हो, आप अपने होशो आवाज में कर रहे हो। मिस्टर मोहन राव हैज बीन अटैक्ड ऑन हिज कंजर्वेटिव आइडियाज अबाउट वुमेन, मिस्टर मोहन राव हैज बीन अटैक्ड, उन पे अटैक हुआ, अटैक्ड ऑन, अटैक के साथ यहां पर ऑन नहीं आएगा, वर्ब तो है बट ये पैसिव में यूज हो रहा है ना, नहीं रुको, हैज, हाँ उन पे अटैक करा गया, ठीक है, अटैक ऑन कैसे हो जाएगा, पर नहीं, किस पर, अटैक फ्रॉम, अटैक फ्रॉम तो हो ही नहीं सकता, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये तो कट गया, अटैक्ड फॉर उसने, ये गलत है, अटैकिंग, एक मिनट, फॉर हिज, अटैक्ड, अटैक्ड फॉर हिज, अटैकिंग भी नहीं, अरे ये तो हो गया सही, ऑन आएगा नहीं तो पहला गलत, अटैकिंग हो ही नहीं सकता, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव बनेगा, ये कटेगा, ये आ गया अटैक्ड फॉर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें। देयर वॉज डिसमल एटमोसफेयर इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द डिफिटेड, डिसमल मतलब होता है वही सैड, ग्लूमी, जॉवियल मैंने अभी बताया था, जॉयफुल, चीयरफुल, ड्रेडफुल इज थोड़ा सा हार्मफुल आपके लिए, भयानक हो, ग्लूमी तो सैड है, चीयरफुल अभी हमने डिस्कस कर रहा था, आपका आंसर है, अरे अपोजिट बताना है, अभी गलती कर दी थी हमने, जॉवियल, इसका अपोजिट जाएगा डिसमल, ड्रेडफुल, चीयरफुल, 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 ठीक है, जॉवियल इन नेचर, ठीक है। वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, एक्सेसिव, एक्सेसिव, तुम्हारे भाई का वेट लॉस हो रहा है प्रॉब्लम की वजह से, बीमारी की वजह से, जो कभी ठीक नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन अपना दुख शेयर करेंगे, टेंशन ना लो। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग द मेटल, आर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, बट ये देख लो बींग प्लस वी थ्री कहां पर है, यहां है बींग प्लस वी थ्री, नहीं है गलत, यहां है नहीं है, यहां है बींग है। अब मटेरियल्स है ना तो प्लूरल आएगा, आर आएगा, यही आंसर है, बस इसमें तो सोचना ही नहीं था भाई कुछ। हाँ, इसाबेल सॉ अ स्ट्रेंज रैबिट रनिंग थ्रू द बुशेस, ठीक है, फॉलोइंग इट शी फाउंड अ डोर व्हेन शी ओपन द, ठीक है, उसको फॉलो करते करते आफ्टर दैट शी फेल्ट अ सडन सेंसेशन उसकी बॉडी में, शी थॉट इट वाज ए बी सी डी, अब ये भी कहानी बना रखी है, ए बी सी डी, यही भाई हमने बोला था 6 मिनट में कर देंगे, नहीं कर पाए, अच्छा मैं समझा भी तो रहा हूं, इसलिए भी तो टाइम लगता है। अ स्टोन डेट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग कैन नॉट गैदर मॉस, ठीक है, वाइल स्टोन डेट रिमेन्स लाइंग इन वन डैश विल गैदर इट आफ्टर टाइम, जो एक ही क्या रहा है, एक ही साइज में, प्लेस में रहे,
इन द सेम मैन हु इज रोलिंग स्टोन, उसी तरीके से अगर कोई मैन जो रोल करता है स्टोन को, हु इज कॉन्स्टेंटली डैश हिज ऑक्यूपेशन, अपनी चीजों को बदल रहा है, वो सेटल नहीं हो पाता। सही बात है, जो अपनी चीजों को बदलेगा, चेंजिंग कर रहा है, वो सेटल नहीं हो पाएगा। जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था, भी बीच में एक बार जॉब करने लगा, जब कोविड का टाइम आ गया, फिर मैं दोबारा पढ़ाने में आया, तो कहाँ सक्सेसफुल हो पाया, आप लोग जानते ही नहीं मेरे कोई, ठीक है। थर्ड, डज नॉट सेटल अपॉन, सेटल डाउन होता है ना, सेटल डाउन बोलते हैं कि भाई सेटल डाउन हो गया तू। फॉर अचीव लिटल और नो डैश इन लाइफ और नो प्रायोरिटी इन और नो सक्सेस, सक्सेस में तो देखो ऐसे कुछ, मैं तो कोई भागा नहीं सक्सेस के पीछे, ठीक है, क्योंकि भाई अपना भैया अपनी छोटी सी दुनिया, उसी में खुश है। वन हु इज कॉन्स्टेंटली चॉपिंग एंड चेंजिंग विल नेवर बिकम वेल्दी एंड गेट सक्सेस इन लाइफ, ही विल प्रोबेबली बी डिसिपेटिंग हिज एनर्जी एंड विल गेट नोवर, एज द प्रोवर्ब सेज। क्या बोलती है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब क्या क्या होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो बदली नहीं जा सकती, जो सेम रहती है, लाइक आपके यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह होती है प्रोवर्ब, मतलब कथाएं, कथन। ही हु हंट्स टू हेयर्स लॉसेस, एक साथ जब आप दो हेयर्स को मारो, समझ लो दो रैबिट को मारोगे तो दोनों ही नहीं मरेंगे, वो इधर भाग जाएगा, वो इधर भाग जाएगा, तो उसे कुछ नहीं मिलता। लूजेस इक्वल, लूजेस एवरीथिंग, लूजेस नथिंग, लूजेस बोथ, वो दोनों खो देता। बोथ ध्यान रखना, ये टर्म है, ये नॉलेज से नहीं हो पाया, ये पढ़ रखी है प्रोवर्ब ऐसी बचपन में, क्योंकि हम किताब कॉब वो पढ़ते रहते हैं नॉवल, तो उसमें क्या है, ही हु हंट्स टू हेयर्स, जो एक साथ दो रैबिटों का शिकार करेगा वो दोनों खोएगा, तो बोथ आता है इस लाइन में, ठीक है। ये ग्रामेटिकल नहीं है, ये आपकी समझ है। तो भैया हो गए, सेव करके नेक्स्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, की रिकॉर्डिंग हो गई ना, हाँ चलो सबमिट करते हैं भाई। अरे क्या हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट। अब देखते हैं, बड़े टाइम बाद कर रहे हैं, आई थिंक एक गलत हो सकता है शायद हमारा, ठीक है, एक गलत हो सकता है भाई। रैंक आई है 1, अपने आंखों से देख लो, 50 में से 50 आए, कोई गलत नहीं हुआ। 12 मिनट का था, हमने 11 मिनट लिए, रवि थेलो, और भाई बहुत बंदों के 50 आए हमने, तो ये तो आसान था फिर, बहुत बंदों के 50 आए, आसान था। अब एक का मुझे नहीं आता था, मैं उसको देख लेता हूँ आप लोगों के आगे, जिसका मुझे मतलब नहीं पता था, ठीक है। तो भैया वैसे बहुत आसान था ये, मुझे मतलब नहीं पता था इसका, कहाँ गया, एक वर्ड आया था यहाँ पर। देखो मेरे को ना इंग्लिश पढ़ना और पढ़ाना दोनों अच्छा लगता है, तो मैं आपको थोड़ा सा, बच्चे बोलते अपने बारे में बोला करो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए जो मुझे नई चीज़ लगती है ना, मैं उसे नोट कर लेता हूँ। जैसे वर्ड आया क्या, नौश, जैसे ये वर्ड था नौश पार्टीज, ठीक है, NAUTCH, इसको भी देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो भैया ये मेरा नंबर है 9289609096, ये हमारी टीम के पास रहता है, मेरे पास भी कभी कभी रहता है, तो किसी को कोई भी दिक्कत हो तो इसमें आप मैसेज कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। हम अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहते हैं, क्वेश्चंस, नई इन्फॉर्मेशन, तो वहां से भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। और अगर किसी को हमारा कोई पेड कोर्स लेना हो, हमारी खुद की ऐप है, हमारा पेड कोर्स है, तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, ये सारी बातें अलग हैं। अब देख लो भैया हमारा जो था कि कैसे रहा, बढ़िया रहा सब कुछ, और कई बच्चे पूछते हैं सर आपके कैसे है, भाई प्रैक्टिस की बात है। मैंने अपने टाइम पे जब तैयारी करी थी 2014 15 16 में, तब मैंने भैया 16 के बाद नहीं करी, तो उसके बाद मैंने तब तक बहुत अच्छी तैयारी करी थी, और इंग्लिश थोड़ा ठीक भी था हमारा। बस यही है कि आप चीज़ों को रिवाइज करते रहो, वो क्या आपके लिए सिर्फ प्लिंट टू पैरामाउंट पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।